आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल असंध हलचल हरियाणा में। आज दुर्भाग्य का कारण है कि आज छोटी दीपावली है, लेकिन आज भी जो है कि किसानों की न्यूज़ बनाने के लिए एसडीएम कार्यालय में पहुंचना पड़ा। कहीं तो दीपावली की शुभकामनाएं लेते घूम रहे थे हम और कहीं देते हुए घूम रहे थे, लेकिन जब पता लगा कि आज भी डीएपी ना मिलने के कारण किसान एसडीएम ऑफिस के बाहर बैठ गए हैं और भूख हड़ताल शुरू कर दी है। 5 किसान बैठे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्य इस देश का किस तरीके से जो है सरकार किसानों के ऊपर लगातार मार पर जो है मार कर रही है। कहीं सिंगो बॉर्डर की बात करें, करनाल की बात करें, कहीं की बात करें तो लगातार ये तस्वीरें बयां करती है कि चाहे त्यौहार है, कुछ भी है, सरकार का जो रवैया है वो किसानों के बिल्कुल खिलाफ है। किसान बैठे हैं भूख हड़ताल पर, दिखाना चाहूँगा 5 किसान जिनके गले में माला है। यूनियन भारतीय किसान यूनियन, डीएपी का प्रबंध करो, डीएपी का प्रबंध करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप अपने घरों में बैठे हैं और दीपावली के त्यौहार का आनंद ले रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे हैं, लेकिन ये किसान अन्नदाता जो सभी को भोजन देता है, सभी को अन्न देता है, वो बैठा है आज भूख हड़ताल पर। लगातार ये लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। तो नेताजी से जानना चाहेंगे कि आज फिर दोबारा भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो क्या कारण हुआ आज? देखिए, परसों हम डीएपी खाद के लिए हमने सिंह होटल के पास नेशनल हाईवे जाम किया था, 5 घंटे तक जाम रहा। और उसके बाद करनाल से डीडीए साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था 3 तारीख को 3 बजे तक असंध में सभी किसानों को खाद मिल जाएगा, लेकिन 3 बजे भी हमने प्रशासन से भी पता किया, सभी जगह दुकानदारों से पता किया, एक भी कट्टा असंध में नहीं पहुंचा है। और हमें उम्मीद लगी भी शाम तक भी नहीं आएगा, शाम तक इन्होंने आश्वासन दिया शाम तक आ जाएगा, लेकिन शाम तक भी कोई कट्टा नहीं आया। 3 बजे ही उसके बाद हम यहाँ धरने पर बैठे हैं, 5 किसान यहाँ भूख हड़ताल शुरू की है। जब तक यहाँ असंध में 5-7 ट्रक खाद के नहीं आते, हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे किसान की जान जाए या कुछ भी जाए। आप देख रहे हैं लोग तो अपने घरों में बैठे हैं, दिवाली मना रहे हैं, हमारे लिए क्या दिवाली है? अगर हमारे खेत खाली रह गए, खेती हमारी सबके लिए, हमारे लिए सब कुछ है, अगर खेत खाली रह गए तो हमारे लिए अब की बार कोई दिवाली नहीं है। त्यौहार का समय है, बच्चे इंतजार करते होंगे, बच्चों को क्या जवाब देंगे? देखिए, हम घर से चले थे, मैं तो कह के आया था भाई 3 दिन के लिए मेरी इंतज़ार मत करना, अगर खाद 3 दिन में आएगा तो मैं 3 दिन में आऊँगा। रात को भी अपने हमारे घर पे बच्चे हैं, कोई मतलब आदमी भी नहीं है, फिर उसके बावजूद भी मैं घर छोड़ के आया हूँ, क्योंकि मेरे को किसानों की समस्या का पता है। अगर किसान को इस टाइम डीएपी नहीं मिला तो किसान तो पहले मरे पड़े हैं, खेती करते करते भी नहीं उभर रहे वो कर्जे से। अरब की बार तो इन्होंने नई समस्या डीएपी की, ये पहली बार हुआ है, 20 साल से तो मैं खेती कर रहा हूँ, पहली बार मेरे को टाइम पे डीएपी नहीं मिला। पहले मैंने सरसों बीजी, एक तरफ तो सरकार कह रही है भाई सरसों बो या दूसरी खेती करो, सरसों के लिए भी डीएपी नहीं मिला। ये सरकार तो किसान को बिल्कुल मारने के लिए तैयार है, लेकिन किसान जब तक इसके शरीर में खून रहेगा इसी तरह लड़ाई लड़ता रहेगा। तो मैं जानना चाह रहा था कि किस प्रकार से जो कोई अधिकारी आपके बीच में आए, एसडीएम साहब आए थे, एसडीएम साहब पे हम कैसे विश्वास करें? परसों डीडीए साहब आए थे, उन्होंने कहा था 3 बजे ट्रक आ जाएगा, अब ये कह रहे सुबह तक ट्रक आ जाएगा, लेकिन हमें कोई आशा नहीं है, हम निराश होकर यहाँ बैठे हैं। ये है छत्रपाल सिंधड़, जो कि अपने घर पर ये बोल करके आए हैं कि 3 दिन के लिए वेट मत करना, क्योंकि आज छोटी दीपावली है, कल बड़ी दीपावली है और उसके पास है भैया दूज। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुख का विषय है कि आज इन किसानों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। और भी किसान हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले नाम बताइएगा ताऊ जी। अंग्रेज सिंह मरदान खेड़ा रोखा जी। हाँ जी, आज दीपावली का त्यौहार है और ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि आपको यहाँ बैठना पड़ा? असं पहली तरीक नू जाम लगाया सी जी। इन्हों के विश्वास पे हमने धरना उठा लिया जी।
आज 3 बजे का टाइम था, 3 तारीख 3 बजे 4-5 गाड़ी आ जाएगी डीएपी की। मैंने बोला पहली तैयार कर रखी है, मौके पे तुम्हारे को दिखाता हूँ, सुहागा मार के तैयार कर रखी है। डीएपी बगैर खेती हमारा खाली पड़ा है, बत्तर खुश्क हो जाएगा। आज का आश्वासन दिया था, खाद नहीं आया। हम फिर बैठ गए धरने पे बैठ गए, जितनी देर 3 दिन की बजाय 4 दिन भी ना आए। हम तो एसडीएम साहब आए थे आपके? हाँ जी, हाँ जी, आए सन, आए सन। आपकी उम्र कितनी था जी? मेरी 70 साल उम्र है जी। हाँ जी, तो उनको कोई बातचीत नहीं हुई आपसे? कितनी बड़ी बड़ी उम्र के जो किसान है वो बैठ गए? बोला है उनको, बोला है हम तो तुम्हारे पे विश्वास करते हैं, जो भी आता है विश्वास करते हैं, सानू लॉलीपॉप ले के देके चले जाते हैं। हाँ, विश्वास ही, किसान तो विश्वास करता है, भोले किसान है तो जैसे बोलते हैं चले जाते हैं हम। आप नहीं जाएंगे, आप डीएपी खाद जितनी देर हमारे किसानों को नहीं मिलेगी बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। 5 दिन भी बैठना पड़े 5 दिन भी बैठेंगे। हाँ जी, तो और भी जो किसान है वो बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैं खास बात आपको बताना चाहूँगा, जो ये किसान बैठे हैं इनकी उम्र 70, 75 साल से ऊपर है। कहीं ना कहीं इस देश का बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य है कि आज दीपावली का छोटी दीपावली है और ये किसान बैठे हैं भूख हड़ताल पर एसडीएम कार्यालय के बाहर। यदि बड़े अफसर चाहते तो किसी न किसी तरीके से, चाहे कोई भी तरीका अपनाते, इनको समझाते कि आज जो सिर्फ है दीपावली तक आप वेट करें, लेकिन खाद ना मिलने के कारण किसानों की जो फसल है वो नहीं उग सकती। बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों का आप शेयर भी कीजिएगा। नाम बताइएगा ताऊ जी। कश्मीर सिंह। कितनी उम्र ताऊ जी? मेरी उम्र है 70 साल। आज कैसे बैठे? ऐसे पहले आए से 26 तारीख कोई थे, तो एस डी एम ने आख्या 1 तारीख तक खाद आ जाएगी जी। पहली तक नहीं आई, फिर परसों से जाम लगाना पड़ा जी। फिर नहीं आई, आज का 3 बजे का टाइम करनाल से आके DDPO दे गया था जी। नहीं उसने खाद आज मंगाई थी, फिर धरने पे आके बैठ गए। आपने इस उम्र में भूख हड़ताल का निर्णय लिया है, कहीं ना कहीं आपका परिवार भी आपके पीछे है, आपके रिश्तेदार भी आपके पीछे हैं, कहीं ना कहीं आपको फ़ोन भी करते होंगे, तो उनको आप क्या जवाब देंगे? आज छोटी दीपावली है, ये जवाब देंगे खाद मिलेगी तो उठेंगे, नहीं तो हम नहीं उठते। खाद नहीं आएगी तो आप नहीं उठेंगे? नहीं उठेंगे, खाद लेके उठेंगे नहीं, कुछ खाओगे पियोगे, क्या बात है। देख सकते हैं कि किस तरीके से जब तक खाद नहीं आती उठने वाले नहीं हैं, उम्र 70 से ऊपर है, और दुर्भाग्य इस देश का कि ये किसान नेता बैठे हैं भूख हड़ताल पर। और भी जो किसान नेता है उनसे भी हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे ताऊ जी। ताऊ जी, सबसे पहले नाम बताइए आप लोग। जीमन सिंह जी। क्या परिस्थिति है? आपने काफ़ी बार जो है, जब भी कभी जाम लगता है या कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, आप सबसे आगे मिलते हैं और उम्र भी आपकी बहुत है। हाँ जी, इस तरह जी असी SDM साहब को आए सा, 5-7 किसान जेड़े जिम्मेवार सा जी जी। असा कहा जी खाद की बड़ी किल्लत है तो खाद का प्रबंध करो जी। SDM साहब आ कल के तुम ना फिक्र ना करो, इस बात का खाद मिलेगी जी। चलो फिर हमने एक दिन फिर आए इतने, तो तहसीलदार साहब इतने आया सा मेमोरेंडम लैन, उन्होंने भी ऐसा आख्या। वह कह लगा जी 2 दिन सिर्फ तुसा खलोना, कार्रवाई नहीं कोई करनी 2 दिन। असा क्या भी अभी जाम लाँगे जे सू खाद ना मिलेगी। वो कह लगा जी 2 दिन मेरे आके लग जाओ। असी उस तो दिन मेरे ख्याल 5-7 दिन बाद करनाल रोड फिर रोकया जी जी। डीक डीक के फिर नहीं आती वो कारा से झूठ लारे दे लारा। हूँ भी सवे जो असं इतने आए हाँ, कोई कहता भी गड्डी उत्थे आ गई है जी, की ना सोनीपत आ गई, कोई आंदा करनाल पहुँच जाएगी, घंटे गड्डी करनाल पहुँच जाती जी होवे थे। तो इस करके हूँ जी ट्रक आ गया, कोई पहला सानू लारे लभे लाते रहे, फिर इन्हें साहब ला पे उठते नहीं तो बह गए भुख हड़ताल से। तो हूँ अफसर साहब इतने सारे कट्ठे हुए सन, तो असा क्या तुम जाओ असं कुछ चोर डाकू हाँ, तुझे तो जाके घर दिवाली मनाओ, साड़ी तो किस्मत माड़ी है। छोटी दीपावली है, बच्चे भी होंगे, पोता पोती भी होंगे, वो सब कुछ है जी। बच्चे हम बेचारे आँदे पे घर नहीं आया, तो फोन भी आते हैं घर आओ, मैं क्या घर नहीं असी आ सकते, असं तो इतने बह गए हैं धरने से, हूँ तो जो खाद मिलेगी वो उठा।
हूँ तो जी वजन करे खिंच के जाए सेर नर कच्चे हूँ तो जरा वजन कर लिया वो अभी नभावे बस। लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से देख रहे हैं। इस समय पांच किसान जिनके गले में माला डली हुई है और भूख हड़ताल पर बैठे हैं डीएपी खाद ना मिलने के कारण। एक और ताऊ जी उनसे बातचीत करेंगे। ताऊ जी नाम बताइएगा अपना। मिंदर सिंह थाल जी। हमारी तो ये अर्ज है सरकार अगे फिर क्यों सानू तंग कर दो कभी साड़ी जीरी नहीं वेखदी कभी समझ ला सानू डीएपी की समस्या हो जाती है अगे यूरिया की हो जाएगी कोई साड़ी समझ ला सुनाई नहीं हो रही असी मजबूरन हो के समझ ला इत्थे बैठे हाँ। मेरे सिर दियां नसां ब्लॉक ने लुधियाने डीएमसी तो मेरी दवाई चलती है 20 किले मैं जमीन बीजनी है एक कट्टा खाद दानी मेरे को मेरी जमीन सुकदी है भाई अक के समझ ला कदी उधर हथ मार कदी उधर मार अक के समझ ला अज का टाइम सी 3 बजे का तो समझ गया 3 बजे भी नहीं आई तो फिर 3:30 बजे 4 बजे हाँ मीटिंग करके धरने से बह गए भी इदू तो समझ गया किसानों के जुम्मे लग के मर भी जाएंगे कोई कीमत तो पाएगी मौत की तो मरना तो असं उंज भी है ही है असी बहुत तंग हो गए हाँ। असी तो ये गल चाहते हाँ भी वेखो जी अफगानिस्तान सब ने समझ गया सहारा दिता दूजे देश का कोई साढ़े हिंदुस्तान भी सहारा दे तो असी इन्हें सरकार तो तंग हाँ भी हथ खड़े करके जान नू मैं तो अपना परिवार सारा लेके जान नू तैयार हाँ जो उपदेश से कोई छोटा उपदेश भी शायद है तो इन्ना तंग आ गए हैं सरकार तो असं बहुत ज़्यादा तंग हाँ सानू एक सरकार थोड़ी एक कसाई रल गए ने साडे वास्ते तो डीएपी की तो समस्या जी भावें झूठ मारी जाते हैं जदों होगी साड़ी समस्या असी उदों उठांगे विश्वास अंत नहीं उठते किसी के ते। त्यौहार का दिन है कहीं ना कहीं आपके परिवार के बीच में आपको होना बहुत जरूरी था तो फोन आते ने बीमार बंदा वा हूँ मरण दे समय गल किनारे ते गया वा फिर भी धरने ते बैठा वा डेंगू तो भी डर लगता है दवाई जेब च वे मेरी पर दवाई मैं जिन्ना चेर हूँ समय गल ये खुलदी नहीं मेरी हड़ताल उन्ना चेर मैं खा नहीं सकता जो अन्न ही नहीं खाना पानी नहीं पीना दवाई किस सारे मैं खा इन्ना भी साढ़े ते तरस नहीं असी की करें। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से जो पांच ये एक जवान है और 4 बुजुर्ग हैं 70 साल से ज़्यादा उम्र है कहीं ना कहीं इस देश का दुर्भाग्य कि ये बैठे हैं भूख हड़ताल पर डीएपी ना मिलने कारण। जी आप अपना कर लीजिए बताइए। हाँ बताइएगा सर बताइएगा सर मैसेज दीजिएगा क्या मैसेज लेकर के आए सर। हाँ सर नमस्कार। सबसे पहले मैं मेरे सम्मानित किसान से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जो यूरिया का जो हमारे डीडी साहब आपसे वादा करके गया था तो वो रैक रास्ते में रुक गया था सुबेरे 12-1 बजे आपको खाद उपलब्ध हो जाएगा 100% क्योंकि त्यौहार का टाइम है ये हर तरह रोडवेज का और का मतलब ट्रांसपोर्टेशन का गाड़ी आगे की तो वो रैक सुबह यहाँ आ जाएगा करनाल में और हमारा 3000 बैग स्पेशल असंध के लिए अलॉट किए गए हैं जिसमें से 2000 बैग हमारे सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है असंध में वहाँ उनको सेल किया जाएगा और 1000 बैग जो हमारे डिफरेंट जो डीलर हैं प्राइवेट में उनको दिया जाएगा। 3000 बैग कल डीएपी के हर हालत में आएंगे। मैं मेरे बुजुर्ग किसान भाइयों से विनती करता हूँ कि आज सर्दी का टाइम है आपको हर हालत में कल मिलेगा डीएपी और इस तरह हमारा 4 तारीख को भी प्लान है पारादर्श फास्फेट लिमिटेड का पीपीएल का उसका भी आएगा हमारे पास रैक तो निरंतर आते रहेंगे 3-4-10 तारीख तक हमारे पास प्लानिंग में पाइपलाइन में 3-4 रैक आएंगे जिसके अंदर हमारी सारी पूर्ति हो जाएगी डीएपी। 10 तारीख जनाब पहले सानू 3 बजे आख्या गया एस डी मैदू एक घंटा पहला सानू आंदा भी सवेरे दिन चढ़ते खाद आ जाएगी तो तुसी जाओ सानू सवेरे दिन चढ़ते खाद मिल जाएगी हुण प्रशासन कह रहा है भी समझ गया कल 12-1 बजे आ जाएगा जी किस चीज़ का विश्वास करिए जिन्ना चिर साडे कोल इत्थे खाद नहीं आउंदी नहीं वड़ींदी असी नहीं उठांगे मरना ही मंजूर है इहनूं फिर होर की है तो 10 तरीक तक तो कोई जिहड़ा समझ गया पहली है वह खाली जी पई वह भी सुक जानी है तो ना ही किसी उस तक रुकना है खाद ना सुकन लग रही है जमीन ऐसा जी कोई भी अधिकारी आएगा आश्वासन देगा लेकिन हम आश्वासन पर नहीं उठेंगे जब तक तहसील के सामने खाद नहीं आएगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे।
खाद के ट्रक नहीं, चलो मंडी भी ये नजदीक है, मंडी में आएगा, सानू उठा के ले जाएंगे, सी ओथे टोड़ खाद नहीं आएगा यहाँ से, हम नहीं उठेंगे, कोई भी अधिकारी आओ बात करो। ट्रेन कहाँ खड़ी है? देखो हमारे बस में ट्रेन चलाना तो नहीं है, जो ट्रैक पे लोड है ओवर लोड है, जो गाड़ी आती है, त्यौहार का टाइम है, सवारी भी आती है, लेकिन हमने टॉप प्रायोरिटी पे हमारे प्रशासन ने, हमारे डीडी साहब, डायरेक्टर साहब तक ये आवाज़ गई हुई है कि भाई इसकी उपलब्धता जल्दी से जल्दी हो। जो ही वो रैक पे आएगी तो उसका जो टाइम बाउंड होता है कि वो मतलब 10 घंटे या 12 घंटे टाइम वो आती लोडिंग अपलोडिंग में हो जाएगी। तो ये मैं अभी कंपनी के जो उससे जो मैनेजर जो यहाँ का डील फील्ड ऑफिसर है उससे बात करके आया हूँ। माँ भाई फार्मर ऐसे ऐसे, उन्होंने बोला जी रैक में कहीं कहीं वो जो बाईपास वो निकालते हैं उसमें दिक्कत आ रही थी, और रात को रैक पहुँच जाएगा रेल हेड पे, और सवेरे हमारे 9-10 बजे लेबर आते ही इसको डिस्पैच कर दिया जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 12-1 बजे तक हमारे असंध में खाद आ जाएगा। हाँ जी नेताजी, नहीं देखो ये तो आश्वासन दे रहे हैं, इनके आश्वासन से हम नहीं उठेंगे। सिद्धि बात, करनाल से आओ चाहे कोई दिल्ली से आओ या चंडीगढ़ से, हमारा एक ही फैसला, अंतिम फैसला, यहाँ असंध में जब तक खाद के ट्रक नहीं आएंगे, चाहे 2 दिन लगो चाहे 3 दिन लगो, हम भूख हड़ताल पर रहेंगे, पानी भी नहीं पियेंगे। लोग तो दिवाली मना रहे हैं, लेकिन हम दिवाली कैसे मनाए? हमारे खेत खाली है, हमने बच्चों की फीस भी भरनी है, आगे जिसका कर्जा उठाया वो भी है, उधार भी है शहर में, क्या करे किसान? किसान मजबूर होकर बैठे। ये तो 10 दिन से कह रहे हैं, हमने ज्ञापन भी दिया एसडीएम साहब को, 2 बार ज्ञापन दिया, एक बार मंडी में दिया, एक बार यहाँ दिया, और परसों जाम भी लगाया, परसों डीडीए साहब ने 3 बजे तक का टाइम दिया था। किसी पे भरोसा नहीं हमें, खाद मिलेगा तो यहाँ से उठेंगे नहीं, हम नहीं उठेंगे यहाँ से। बुजुर्ग किसान है, सर्दी का भी डर है, डेंगू का भी डर है, हर रोज लगातार जो है डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और जब यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो भी कुछ मच्छर लड़ रहे हैं, उसमें से ये नहीं देख सकते कि कौन सा डेंगू का और कौन सा बगैर डेंगू का। लेकिन ये जो बुजुर्ग 70 साल से ऊपर के हैं, बैठे हैं, त्यौहार अपने परिवार के बीच में होना चाहिए था, दीपावली मनानी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की पूर्ण ये तस्वीरें कि बैठना पड़ गया एसडीएम कार्यालय के बाहर। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बने रहेगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। प्रशासनिक अधिकारी आए हैं बीच में, और कल 12 बजे तक का आश्वासन दिया है कि 12 बजे तक कल गाड़ी आपके यहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन जो किसान नेता है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी बार उनको समझाया गया है, बुझाया गया है, और जो उनका आंदोलन है उसको कहीं ना कहीं ढीला किया गया था, लेकिन आज एक हट जो है पकड़ चुके हैं कि जब तक खाद नहीं आती तब तक वो बैठे रहेंगे। लाइव तस्वीर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। डीएपी का प्रबंध करो, किसानों के लिए डीएपी का प्रबंध करो, किसानों के लिए डीएपी का प्रबंध करो, झूठी सरकार मुर्दाबाद, अत्याचारी सरकार मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, धोखाधड़ी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आवाज दो, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। प्रशासनिक अधिकारी आए हैं समझाने के लिए। प्रशासनिक अधिकारी समझाने के लिए आए हैं कि कल 12 बजे तक दीपावली के दिन जो है खाद आपके असंध में पहुंच जाएगा, लेकिन अभी किसान नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि जब तक खाद असंध में नहीं पहुंचता वो
अपनी हट पर यूँ का यूँ जमे हुए हैं और भूख हड़ताल है, ना वो कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी देख रहा हो न्यूज़ तो विनम्र निवेदन है किसी भी प्रकार से किसानों को मनाए, क्योंकि दीपावली का त्यौहार है। एक जो किसान बुजुर्ग किसान है इनको अपने परिवार के बीच में होना चाहिए था, लेकिन ये बैठे हैं SDM कार्यालय के बाहर। देश की दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें, ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को आप शेयर कीजिएगा। बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ।